वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ नागपुर फूड नामा मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। सो जैसे कि आप जानते हैं कि फूड नामा इज ऑल अबाउट अ शो जहां पर मैं लेकर चलने वाली हूं आपको नागपुर का नया नया स्वाद चखाने के लिए। यस, मैं एक्चुअली गली मोहल्ला और स्क्वायर नागपुर को पूरा छान मारने वाली हूँ और आपके लिए लेकर आने वाली हूँ एक बेहतरीन स्वाद, क्योंकि नागपुर में अब एक नया क्रेज चल पड़ा है। हमें हर दिन कुछ नया खाने की इच्छा होती है और जब नया खाने की इच्छा होती है तो एक कंफ्यूजन होता है कि आखिर जाना कहाँ है। कैफे रेस्टोरेंट्स तो बेहतरीन काम कर रहे हैं, वहाँ तो हम जाते ही हैं, लेकिन जो स्ट्रीट फूड खाने का मज़ा है ना, उसकी ना बात ही मज़ा है, उसकी एक्चुअली बात ही निराली है। और मुझे खासकर स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है, लेकिन आज इस एपिसोड में मैं आपको कहाँ लेके जाने वाली हूँ ये मैं आपको अभी बताऊँगी नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज मैं आई हूँ त्रिमूर्ति नगर। त्रिमूर्ति नगर का जो गार्डन है उसके जस्ट अपोजिट में ये एक छोटा सा कॉर्नर है जहाँ पर आपको ऑथेंटिक खाना मिलता है। महाराष्ट्रियन खाना आपको पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन महाराष्ट्रियन खाना वो भी एकदम पॉकेट फ्रेंडली, भरपेट खाना मिलेगा। क्या है वो जगह, कौन सी है वो जगह, चलिए चलते हैं। भाकरी वाला, यू गॉट इट राइट। मैं आई हूँ त्रिमूर्ति नगर के गार्डन के जस्ट अपोजिट में, एक छोटा सा कॉर्नर है दैट इज भाकरी वाला। अब भाकरी वाला से आप समझ गए होंगे कि यहाँ भाकरी मिलती है, लेकिन यहाँ सिर्फ भाकरी नहीं मिलती, यहाँ पूरा खाना मिलता है और वो भी सिर्फ बहुत ही कम दामों में। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको पूरी फुल प्लेट मिलेगी, खाना मिलेगा, और वो जो सर्व करते हैं ना वो बहुत ही अलग स्टाइल में सर्व करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ज्वारी जी भाकरी, भाकरी जी भाकरी, मकरिया जी भाकरी, वांग्या चा भरे, झुनका, बेसन, पाटोड़ी, रस्सा, कड़ी, गुड़ा, क्या नहीं है इनके पास। मतलब ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड, वो भी वेरी पॉकेट फ्रेंडली रेट्स में, और यहाँ पर दिन भर चलता है। क्या टाइमिंग्स हैं, क्या रेट हैं, टेस्ट कैसा है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करते हुए चलिए चलते हैं अंदर। बैंगन का भरता, यह वी हैव पिटला एंड दैट इज कड़ी, जो कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को बहुत पसंद है। तो ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड है, आई कांट वेट माई सेल्फ टू ट्राई दिस ऑथेंटिक फूड। और सर्व भी इसे बहुत ही खास तरीके से किया जाता है, कैसे किया जाता है, कैसा इसका टेस्ट है, और यहाँ के ओनर से भी बात करेंगे कि यहाँ का जो प्रिपरेशन है कब शुरू होता है, कैसा होता है। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर फूड नामा। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ लाइव भाकरी बन रही है एंड चूल्हे पे बन रही है, और चूल्हे के सामने कंटिन्यूस बैठना इज सो डिफ़िकल्ट। मैं तो सिर्फ 2 मिनट के लिए यहाँ बैठी हूँ एंड आई एम गेटिंग वाटर फ्रॉम माय आईज, माय नोज, एंड आई एम फीलिंग लाइक कि मैं यहाँ 2 मिनट से ज़्यादा तो नहीं बैठ पाऊँगी। हैट्स ऑफ टू ऑल द काकूस, यहाँ जो भी बनाते हैं उनको हैट्स ऑफ है, क्योंकि वो दिन भर यहाँ पर बैठ के इतनी सारी
मैक्सिमम इतनी सारी भागरीज कंटिन्यूस का प्रोसेस है बनाना एंड दिस इज़ रियली अप्रिशिएबल. तो आई थिंक कि आपको यहाँ आकर लाइव भाकरी का प्रोसेस देखना चाहिए कैसे बनता है एंड यू शुड फील कि यार मेहनत के पीछे एक सपोर्ट तो बनता है. सो डू सपोर्ट देम एंड डू विजिट वंस एंड येस हमारे शो को बने रही क्योंकि मैं आपको टेस्ट करके बताने वाली हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है. सो जस्ट स्टे ट्यून टू नागपुर फूड नामा. मेरी जो थाली है ना वो तैयार हो रही है बिकॉज आई कांट वेट माई सेल्फ टू ट्राई दिस ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड. और वो भी आप देख सकते हैं दिस इज ये मेरे ख्याल से क्ले है राइट. ये क्ले की थाली है, मिट्टी से बनी थाली है और ये मिट्टी की बनी थाली में सर्व किया जाए. इसके पीछे का कारण अंकल मिट्टी की थाली में आप सर्व कर रहे हैं. ये पुराने जमाने से चलते रहे वो प्राचीन लोगों को जी संस्कृति को जिंदा रखना है. अच्छा ओके. और उसमें बहुत अंतर होता है स्टील वाले में, इसका टेस्ट अलग होता है मट्टी के खाने में. जी बिल्कुल. वैसे भी मट्टी के बर्तन में जब खाना बनाते हैं तो उसका स्वाद बहुत अलग होता है. जस्ट कैन यू सी क्ले की थाली है, मिट्टी का एकदम पूरा यूटेंसिल्स हैं. ये कहाँ मिलता है यार, मतलब खाना आपको हर जगह मिल जाएगा लेकिन इस तरीके का जो सर्विंग है वो कहीं नहीं मिलता है. तो मेरी थाली बन रही है, लेट्स सी. सो फाइनली ये फैंटास्टिक सी ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन थाली इज़ जस्ट सर्व्ड. और पानी भी देखिए क्ले के ग्लास में है, मतलब खाने का मज़ा ना बहुत आने वाला है क्योंकि क्ले में सर्व हो रहा है और क्ले का जो स्वाद है वो एक अलग लेवल का होता है. यहाँ के ओनर भी हमारे साथ हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. ये आपने इसकी शुरुआत कब से की भाकरी वाला? भाकरी वाले की इसके पहले हमारी दुकान मोखरे कॉलेज के पास 19 साल हो गए. 19 साल हो चुके हैं जी. जी 2002 का सही है. हाँ हाँ. तो कोरोना की वजह से बंद पड़ा था, फुटपाथ पर काम करते थे. अच्छा. और वो उसके बाद में रोड का काम चालू हो गया जी. फिर पूरा 2.5 साल बंद रहा. फिर हमने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा जी, जी. खाली कितने दिन बैठेंगे, इसकी वजह से हमने ये दुकान, ये मेरे भाई है मौसी के लड़के हैं इनकी लॉटरी की दुकान थी पहले, यहाँ ये भी खाली पड़े थे तो वह बोले साथ में चालू करेंगे, थोड़ा यूनिक बनाएंगे जी. तो इसलिए अभी 3 महीना हो गया हमने ये चालू करे और लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है. अच्छा. और अच्छा टेस्ट खाना बनाते हैं लड़के जैसा जी. सुबह कितने बजे से शुरुआत हो जाती है बनाने की? हम 10 बजे आते हैं. अच्छा. तो प्रोसेस में रहता सब काम तो 12-12.5 बजे तक के पूरा कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है 1 बजे तक पूरा फाइनल हो जाता है जी. जी उसमें पाटोली की सब्जी, पूरन पूरी, हाँ. आलू बैंगन भट्टे वाली रस्से की सब्जी. अच्छा. झुमका भरी. हाँ हाँ. पहले तो आए बराबर हमारे को बैंगन भूनना पड़ता है. हाँ. फिर बाद में कटिंग करनी पड़ती जी. प्याज की टमाटर ये जी. पूरा मटेरियल तैयार होने के बाद फिर उधर हमारा कार्यक्रम जी. और रात को कितने बजे तक चलता है? रात को तो वैसे 9 बजे तक रहते, तो बंद करने से 9:30 बजे जी. जी जी. सामान कलेक्ट करना, बर्तन साफ करना जी. जी तो भाई शाम की है जी. और सवेरे की 5 बजे आती है जी. ये भाई दोपहर से आई 2 बजे रात को 10 बजे जी. ये टोटल थाली बन के मिलती है, इसके अलावा और भी कुछ बनता है यहाँ पर? और इसके अलावा लंबी रोटी बनती है. अच्छा. पूरन पूड़ी बनती है, सादी रोटी ऑर्डर के ऊपर बनती है जी. पाटोली की सब्जी बनती है, कड़ी घोड़े बनते हैं. अच्छा. पूरा टोटल महाराष्ट्रियन फूड यहाँ पर अवेलेबल है, डिपेंड्स कि वो सामने रखे, बट ये थाली बहुत ही सुंदर लग रही है. और ये क्ले में आप सर्व करते हैं, इसे मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट है अंकल? मतलब जी केयरफुली साफ करना पड़ता है. हाँ. दसड़ दुसड़ डाल दिए तो एक्चुअली जी, क्योंकि ये बहुत हैवी और बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है. राखड़ या इससे नहीं, थोड़ा जो साफ करने का प्लास्टिक का जो साफ करने का था, विम बार
साबुन का पानी लेने का तुरंत साबुन। क्या रेट्स हैं थाली के हमारे पास? ये अभी हम ये पूरा जितना दे रहे हैं सिर्फ 60 रुपये लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर रोटी लिया एक्स्ट्रा तो उसका 20 रुपये। अच्छा, एक्स्ट्रा जी। अगर सब्जी रिपीट किया तो फिर 60 रुपये रिपीट होता है। एक्स्ट्रा चावल लिया, हाफ चावल लिया, 40 रुपये के मसाले चावल बनाते हैं। अच्छा, और फूल लिया तो फिर 80 रुपये के चावल पड़ते हैं। अच्छा, और पटोली की सब्जी 80 रुपये प्लेट है। अच्छा, कड़ी गोड़ी 80 रुपये प्लेट है। तो जैसा जरा कुछ चाहिए, हाफ प्लेट होना तो हाफ प्लेट के देते हैं। कोई बोला तो यार 10 रुपये हमारे पास कम है, चल भाई चलेगा देना। आपका मोटिव ये है कि लोगों को बस भरपेट खाना मिलना चाहिए और अच्छा खाना मिलना चाहिए। और शुगर फल्ली के तेल में बनाते हैं। कौन से तेल में? फल्ली के तेल में खाना बनता है पूरा। बढ़िया। कोविड के टाइम्स में कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत परेशानी जी परेशान नहीं बोलना पड़ेगा जी। अब उनको जो चाहिए था वो टाइम नहीं मिल जी पाया। सही बात है, सही बात है। जिनके पास मेरा नंबर था वो कॉन्टेक्ट में रहे, जिनको नंबर नहीं था वो जगह पर मिलता है, तो ऐसे लोगों को दिक्कत होती जी। लेकिन अंकल मैं कहूँगी कि 50 और 60 रुपये में आप इतना भरपेट खाना खिला रहे हैं, अब तो महंगाई का दौर बहुत बढ़ गया है, मेंटेन हो पाता है सब कुछ? सब होता है, ऊपर वाले की मेहरबानी है जी। ज्यादा लूटना नहीं मेरे को, मेरा नाम चल गया बहुत है जी। वाला दोपहरे निखार पाए बस ऐसे बोलिए। हमारे भाई लोग पुरानी है, 18-19 साल जी भाई है जी, वो उनकी मेहरबानी है, उनके भरोसे हम काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर हमारा है, हमारे अंडर में काम करते हैं। मेरे को जैसा चाहे वैसा वो हैंडल भी होते हैं जी। कोई मजूरी नहीं, कोई झगड़ा नहीं करते जी, यानी फैमिली मेंबर जैसे हमारा बरोबर बरोबर। मैं नहीं भी रहा तो पूरे संभाल लेते बरोबर। वैसा ये है ना, कहते ना दिस इज माई इंडिया, दिस इज आर इंडिया। भारत की ये पहचान है, भारत की ये खासियत है कि यहाँ पर प्यार से खाना खिलाया जाता है। वी हैव सो मैनी रिलीजन्स, वी हैव सो मैनी कास्ट, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सबको बांधे रखे हुए हैं वो है प्यार, मोहब्बत। हर रिलीजन में अपना एक अलग खासियत होती है, एक अलग क्यूजीन होता है, एक अलग उसकी पहचान होती है। महाराष्ट्रियन फूड की पहचान जो ये मेरे सामने, ये सिर्फ इतना महाराष्ट्रियन फूड नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ होता है। लेकिन जो ऑथेंटिक और जो थाली सर्व की जाती है भाकरी वाला में, और दोपहरे जी जैसे कह रहे हैं कि इतना प्यार से वो खिलाते हैं, तो मैं भी उतने ही प्यार से इसे टेस्ट करना चाहूँगी, तो मैं आपको टेस्ट करके ज़रूर बताऊँगी। वेल, आप लोगों ने सबने भाकरी तो खाई होगी, आपने भरता खाया होगा, एंड वी आर वेरी सो मच फॉन्ड। भाकरी भी मट्टी के तवे पे बनती है। एक्चुअली भाकरी भी जो है मट्टी के तवे पे बनती है, जो आपने देखी जिस तरह से काकू लोग दिन भर इतनी मेहनत करते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर थी एंड आई फेल्ट सो सो हॉट, कि वो गर्मी इतनी होती है मेरी आईज वाटर करने लग गई। बट हैट्स ऑफ टू ऑल द काकूज हियर कि उन्होंने दिन भर वो यहाँ इस गर्मी में बैठ के ये जो खाना है वो तैयार करती हैं। फर्स्ट आई विल टेस्ट दिस, दिस इज़ भाकरी एंड दिस इज़ बैंगन का भरता। एंड कड़ी इज ऑलमोस्ट सबकी फेवरेट, तो मेरी तो बहुत है। टेस्ट बहुत अच्छा है गाइस, एकदम घर का खाना है। एंड इफ यू आर मिसिंग घर का खाना, अगर आप लोग यहाँ हॉस्टल में रहते हैं या अगर आप यहाँ कहीं बाहर से पढ़ने आए हैं या आपके काम करने आए हैं, तो आपको यहाँ आके एक बार, मैं कहूँगी एक बार, बिकॉज आप एक बार आएंगे तो नेक्स्ट टाइम आप खुद दौड़े चले आ जाएंगे। दिस इज झुनका, आई मस्ट से टेस्ट बहुत डिफरेंट है, बिकॉज क्ले का जो टेस्ट है वो उसमें आ रहा है। झुनका इज़ वेरी गुड, बहुत सॉफ्ट है, आई हैव टेस्टेड विद इट। क्योंकि हम लोग ना महाराष्ट्रियंस हों या फिर विदर्भ वाले हों, तीखा जब तक मुंह में नहीं जाता ना तो खाना हजम नहीं होता है। बहुत अच्छा है, आई मस्ट से बहुत अच्छा है। और क्या चाहिए गाइस, 60 रुपये में आपको अगर इतना भरपेट खाना मिल रहा है तो आई थिंक बहुत सफिशिएंट है। आप एक बार आइए, खाना खा के जाइए, घर का खाना ऊपर से इतना ऑथेंटिक तरीके से सर्व किया जाता है, इतना प्यार से खिलाया जाता है। प्यार से खिलाने वाले का ना दुआ एक अलग से होती है, और आपके लिए मेरी दुआ तो बहुत ज़्यादा है। होप आप ये इसी तरह से सर्व करते रहें और इसी तरह से खिलाते रहें। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड गाइस, घर का खाना ऊपर से ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड अगर आप मिस कर रहे हैं, तो यहाँ आके आपको बनता है एक बार खाना।
बिकॉज दिस इज़ रियली वेरी गुड. बहुत टेस्ट अच्छा है, हर चीज़ आपको मिल रही है एंड दैट सिर्फ आपके पॉकेट फ्रेंडली रेंज में. सो डू विजिट गाइज. एंड दिस वॉज ऑल अबाउट आज के एपिसोड के लिए. मैं आई थी भाकरी वाला विच इज़ जस्ट अपोजिट टू त्रिमूर्ति नगर का गार्डन में. तो यहाँ पर आप आइए, टेस्ट कीजिए. और यहाँ जिस तरह से भाकरी कंटिन्यू बनती रहती है, आप लाइव प्रोसेस देख सकते हैं, वो देखने में भी बहुत मज़ेदार है. एंड प्लीज़ डू अप्रिशिएट देम बिकॉज दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब. आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और गली मोहल्ले में ढूंढने कुछ एक नया स्वाद. तब तक देखते रहिए नागपुर फूड नामा वीकेबी न्यूज़ के साथ.